अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपके खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शुक्र हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उनवान है, अगर आपका महबूब बात करना बंद कर दे तो इस तावीज़ का इस्तेमाल करें। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपके खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर, रूहानी सेंटर अमटोना, जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक, शैतानी अमल के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो अमल है वो महबूब के हवाले से है, आपके हस्बैंड के हवाले से है, आपकी बीबी के हवाले से है और आपके लवर के हवाले से है। अगर वो गुफ्तगू कर रहा था और बीच में किसी वजह से किसी ने उसको भड़का दिया, या फिर किसी ने उसके अंदर कुछ भर दिया, या फिर किसी ने सिपली के ज़रिए से, जादू के ज़रिए से, ब्लैक मैजिक की वजह से कुछ ऐसा कर दिया कि अब दोनों के दरमियान बातों का सिलसिला बंद है, दोनों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला बंद है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर चाहते हैं कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे, महबूब चाहे जितना भी नाराज़ हो जाए लेकिन गुफ्तगू करता रहे, बातचीत करता रहे, फ़ोन से बात होती रहे, SMS के ज़रिए से बात होती रहे, तो ऐसी सिचुएशन में इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो बावजू हो जाएँ, बेहतर है कि रूबा कुबला बैठ जाएँ, सफ़ेद कागज़ पर काले पेन से इस तावीज़ मुबारक को लिखें। लिखने का आगाज़ करेंगे, पहले लिखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद लिखेंगे या रब्बे जिब्राइल, या रब्बे मिकाइल, फिर उसके बाद जो लिखा हुआ है सलामुन कौलों में रब्बे रहीम, फिर उसके बाद आप आ जाएँ या बुद्दुआ हाजिर कर फ़लाँ बिन फ़लाँ। तो जिसके लिए लिख रहे हैं, जो नाराज़ है उसका और उसकी माँ का नाम लिख करके ये दो सेट बनाएं। एक तावीज़ जब मुकम्मल हो जाए तो उसको ज़मीन में दफन कर दें, कहीं भी दफन कर दें, पाँच ज़मीन में, और एक तावीज़ अपने पॉकेट में रख लें, तो इंशाल्लाह इसका असर ये होगा कि वो गुफ्तगू करना शुरू कर देगा, वो ज़िंदगी में कभी भी आपसे अगर नाराज़ भी हो जाएगा तो बातों का सिलसिला बंद नहीं करेगा, यानी आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। ये दो तावीज़ इसका इस्तेमाल करें, दिन में इसका इस्तेमाल करें, दिन में बनाएं, दिन में दफन करें और दिन में अपने पास रखें, रात में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, गलत मकसद के लिए बिल्कुल भी हमारी तरफ से इजाज़त रही है। इजाज़त के लिए शर्तें वो लिए कि कमेंट में जाके या अल्लाह मोहम्मद लिख दी, हमारी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी। फिर मिलते हैं दूसरे नशस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।